नमस्कार, स्टडी टू लर्न विद मिस्टर रोज चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारत का अवस्थिति और विस्तार पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश छह भौतिक प्रदेशों में भारत को बांटा गया है, जिनमें आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ने का मतलब ये है मैप को पढ़ना, हमें मैप पे हर एक प्रदेश की लोकेशन का आइडिया होना चाहिए। तो हम देखते हैं, एक नंबर पे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जिसमें हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ शामिल हैं। दो नंबर पे उत्तर भारत का मैदान जिसमें गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र इनका मैदानी क्षेत्र है। नंबर तीन पे थार का मरुस्थल। चार पे दक्षिण भारत का पठार। नंबर पाँच पे समुद्र तटीय मैदान जिसमें पश्चिम तट का मैदान, पूर्वी तट का मैदान। और छह पे भारत के द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप। ये थे भारत के छह भौतिक प्रदेश या प्राकृतिक प्रदेश। इनके अलावा हम देखते हैं कि तीन और बड़े भाग होते हैं, सबको सम्मिलित रूप से अगर बांटें तो पठार, पर्वत और मैदान में बांटते हैं। इनमें पठार 27%, पर्वत 30% और मैदान 43% है। अभी हम पहले पॉइंट जो है कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जिसमें हिमालय पर्वतमाला और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हिमालय का डायग्राम होना चाहिए। तो हम यहाँ हिमालय का डायग्राम देख सकते हैं। ये हिमालय पर्वतमाला है जो कि उत्तर पश्चिम से लेके और दक्षिण पूर्व की तरफ है। ये एक चाप के आकार में है, तो हम इसको पश्चिम से पूर्व की ओर मापते हैं। पश्चिम की ओर से पूर्व की ओर फैली ये वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और ये हमारे दिमाग में एक चित्र होना चाहिए कि ये भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है और एशिया या तिब्बत यानी मध्य एशिया और तिब्बत और भारत इन दोनों के बीच में एक बैरियर का काम करती है। ये भारत को प्राकृतिक बैरियर और सांस्कृतिक बैरियर का भी काम करता है। हिमालय को हम चार भागों में बांटते हैं, जिसमें ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय को हम मृद हिमालय, आंतरिक हिमालय, ग्रेटर हिमालय आदि नामों से जानते हैं। इसके अलावा लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं। और सबसे नवीन श्रेणी जो कि शिवालिक है, इसको हम निम्न हिमालय, नवीन हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। अब देखते हैं हिमालय पर्वतमाला के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। ये एक डायग्राम हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हिमालय पर्वत भारत के किस हिस्से में स्थित है और कहाँ से कहाँ तक फैला है। चलो आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वतमाला ये एक नवीन वलित पर्वतमाला है, यानी फोल्डेड माउंटेन है। जो कि फोल्डेड का मतलब है कि एक जैसे पेपर है और पेपर के दोनों हिस्सों को हम एक तरफ से दबाते हैं, तो एक ही दिशा में दबाएंगे तो बीच में से पेपर फोल्ड हो जाएगा, तो उसी को हम वलित बोलते हैं, यानी फोल्डेड बोलते हैं। तो हिमालय भी एक ऐसा ही फोल्डेड माउंटेन है जिसका निर्माण सिनोजोइक महाकल्प में हुआ था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है, जो कि 1967 में मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन ने दिया था। भूविज्ञानियों के अनुसार वर्तमान हिमालय की जगह पहले टेथिस नाम का सागर था और ये टेथिस सागर में कंटिन्यू नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के जमा होने के कारण और गोंडवानालैंड और अंगारालैंड के दबाव पड़ने के कारण वलित पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय को पर्वतराज भी बोलते हैं, यानी पर्वतों का राजा। और हिमालय में ही हम पुराणों में सब में पढ़ते हैं कि पुराने बहुत ही सारे ऋषि मुनि वहीं जाके तपस्या करते थे। तो ये आध्यात्म चेतना का दूर केंद्र भी है, ये वाइब्रेंट पावर हाउस ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी है। उत्तराखंड को इसका हृदय कहते हैं। ईश्वर अपने सारे ऐश्वर्य खूबसूरती के साथ वहाँ विद्यमान है। यहाँ अनेक रत्न भी मिलते हैं और अनेक जीवनदायिनी औषधियाँ भी यहाँ मिलती है। ये एक पर्वत तंत्र है, यानी एक ही पर्वतमाला नहीं होकर बहुत सारे पर्वतों का संग्रह है, जिसमें हम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर,
पीर पंजा, धौलाधार, मंसूरी, ऐसे बहुत सारे पर्वतों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ये चाप के आकार में फैला है, जैसा कि हमने यहाँ डायग्राम में देखा था, ये एक चाप है, इसको हम चाप का आकार बोलते हैं, चाप के रूप में फैला है। और इसकी टोटल लंबाई यहाँ पश्चिम से पूर्व तक 2400 किलोमीटर लगभग है। इसको चार श्रेणियों में बांटा, जैसा कि चित्र में यहाँ पे हम देख रहे हैं, ट्रांस हिमालय, मान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो शिवालिक जो है नवीन श्रेणी है, जो सबसे भारी हिमालय भी कहा जाता है। इस चाप का उभार दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी भारत के मैदान की ओर है। उभार यानी इसका मोटापन जो है उत्तर भारत के मैदान की ओर है, और इसका केंद्र जो है तिब्बत की ओर है, तिब्बत का पठार जो है उसकी तरफ है। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला है। ये देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये इधर चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब देश हैं जिनकी सीमा में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट अपना आएगा हिमालय के प्रमुख भाग। यहाँ पे हम सब हिमालय की जो जो पर्वतमालाएं हैं उनको हम डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे ऊपर में पामीर की गांठ है, ये पामीर नोड लिखा हुआ है, ये पामीर की गांठ है जिससे एक श्रृंखला कुनलुन शान पर्वत निकलती है, दूसरी हिंदू कुश है, और यहाँ पे सुलेमान रेंज, पाकिस्तान में सुलेमान रेंज है, और ये अपना हिमालय जो पश्चिम से पूर्व की तरफ फैला है। डायग्राम में देख सकते हैं पश्चिम की तरफ ये ज़्यादा चौड़ा है और पूर्व की तरफ जैसे जैसे जाएंगे संकड़ा होता जाता है। हिमालय की लंबाई हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पश्चिम से लेकर पूर्व तक 2400 किलोमीटर है। ये अगर देखें तो नंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई है 8126 मीटर से लेकर नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। इसमें अलग अलग श्रेणियाँ हैं, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आती है, उसके बाद में ये ग्रेटर हिमालय एक लंबी लाइन के रूप में आप देख रहे हैं जिसपे विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है, सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियां इसी पे पाई जाती हैं, यानी माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है इसी पे पाई जाती है। उसके बाद में आता है लघु हिमालय जो श्रेणियों में आप देख रहे हो ऐसे टूटी हुई श्रेणियों में और आगे जाके संकरे रूप में मिल जा रहा है। सबसे नीचे शिवालिक रेंज देख रहे हैं और ये शिवालिक रेंज आगे जाके फिर लघु हिमालय में आके मिल जा रही है। और यहाँ पे पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में आप देख सकते हैं ये नागा हिल्स वगैरह सब लिखा हुआ है यहाँ। तो ये था एक मोटा सा व्यू जो आपके दिमाग में रहे कि कौन सी रेंज कहाँ पे है। और ये यहाँ कैलाश रेंज है जो कि नेपाल में है, जो हम शिव का स्थान मानते हैं कैलाश रेंज, वही ये कैलाश पर्वत है। ये मानसरोवर लेक और जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और राजस्थान जहाँ से ये निकलती है सतलज नदी निकलती है। अभी आप हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख भाग, हिमालय के प्रमुख भागों के बारे में। तो जैसा कि हमने पढ़ा हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर है और ये पश्चिम से पूर्व फैली विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पश्चिम में सुलेमान पर्वत, हिंदू कुश पर्वत है तथा पूर्व में अराकान योमा पर्वत है जो हिमालय की ही दक्षिणवर्ती मोड़ है। इनके अलावा ये दक्षिणवर्ती मोड़ अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं जिनको हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है और अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है, तक ये 2400 किलोमीटर की दर्शाता है। इसकी औसत ऊंचाई बात करें कि हिमालय ऊंचा कितना है तो एवरेज हाइट इसके लगाते हैं तो 6000 मीटर की एवरेज हाइट है। चौड़ाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण लगभग इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है, जैसा कि हमने चित्र में देखा कि पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा और पूर्व में कम चौड़ा है। लेकिन पूर्व में कम चौड़ा होना यानी संकड़ा होना के कारण ये अधिक ऊंचा भी है। इसका पूर्वी मोड़ दिहंगार्ज पे है और पश्चिम मोड़ सिंधु गार्ज के पास है जो कि क्रमशः सिंधु नदी द्वारा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। हिमरेखा बोलते हैं 4400 मीटर पे खींची गई है क्योंकि ये एक ऐसी रेखा है जिसके ऊपर पाए जाने वाले पर्वतों पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो ये 4400 मीटर एक काल्पनिक इमेजिनरी लाइन्स हैं जिसको हम हिमरेखा बोलते हैं। आगे देखेंगे कि जो पूर्वी छोर हिमालय का है
वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पटकोई भूम पहाड़ी के नाम से जानते हैं, जो कि हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है। नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से, मणिपुर में लेमाटोल पहाड़ी के नाम से, मिजोरम में मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी के नाम से, और म्यांमार में अराकान योमा पर्वत के नाम से। जैसा कि हम देखते हैं कि अराकान योमा पर्वत का ही दक्षिणी विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जल से निकल के बाहर निकला हुआ है बाहर। आगे देखते हैं, हिमालय श्रेणी में बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं हजारों की संख्या में, जो 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनमें सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन का ग्लेशियर है, जो विश्व का दूसरा लंबा ग्लेशियर है और भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। हिमालय में बहुत सारी नदियां भी निकलती हैं, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। ये गंगा, यमुना, इधर घाघरा, काली, इधर से तीस्ता, गंडक नदी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र रिवर, सतलज नदी, सिंधु नदी, इस बहुत सारी नदियां हैं जो कि हिमालय से निकलती है। भू निर्माण के सिद्धांतों के अनुसार ये पर्वतमाला इंडोस्टेरियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट को के टकराने से बनी है। हिमालय के निर्माण में प्रथम उत्थान 650 लाख वर्ष पूर्व हुआ था और मध्य हिमालय का उत्थान 450 लाख वर्ष पूर्व हुआ। हिमालय के कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी हैं, जिनमें हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोमुख, देवप्रयाग, ऋषिकेश, कैलाश, मानसरोवर, अमरनाथ, शाकंभरी है, और इन सब का उल्लेख हम भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ गीता में भी देखते हैं। आगे देखते हैं कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में हम पढ़ने से पहले डायग्राम हम देखते हैं, ताकि हमारे दिमाग में रहे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कोबर एक भूगर्भ शास्त्री थे जो जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में भूसन्नति सिद्धांत दिया, जिसका डायग्राम हम यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने बोला कि एक अंगारा लैंड था जो उत्तर में था, दक्षिण में गोंडवाना लैंड था, और बीच में टेथिस नाम की भूसन्नति थी। दोनों लैंड को काटती हुई नदियाँ अवसाद इस टेथिस भूसन्नति में जमा करती हैं, और अवसादों के बोझ पड़ने से दोनों तरफ के किनारे एक दूसरे की ओर खींचते हैं। ये किनारे खींचने से जो अवसाद जमा हुआ है उसमें वलन पड़ जा रहा है, और वलन पड़ने के कारण पर्वतों का निर्माण हो जा रहा है। तो ये आप ये छोटे डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, ये टेथिस भूसन्नति है। इसमें अवसाद आया, जमा हुआ, और दोनों तरफ से इसमें प्रेशर पड़ा तो यहाँ वलन निकल के आ गए। इन्हीं वलनों की वजह से जो है पर्वत का निर्माण हुआ, और बीच बीच में घाटियों का निर्माण भी हो गया। तो ये था कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जो कि हमने डायग्राम में देखा। अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। जहाँ आज हिमालय वहाँ कभी टेथिस नाम का सागर हुआ करता था, और ये एक लंबा और उतला सागर था। ये दो विशाल भूखंडों से घिरा हुआ था। इसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नाम के दो भूखंड थे। लाखों वर्षों इन दोनों भूखंडों का अपरदन होता रहा, और अपरदित पदार्थ जिसमें मिट्टी, कंकड़, बजरी, गाद इस सागर में जमा होते रहे। ये दो विशाल भूखंड एक दूसरे की ओर खिसकते भी रहे, क्योंकि जैसे जैसे अवसाद की मात्रा बढ़ती गई और जो समुद्र का तला था वो नीचे की ओर धंसता गया, तो दोनों भूखंड एक दूसरे की ओर आने लगे। दो विरोधी दिशाओं में पड़ने वाले दबाव के कारण सागर में जमी मिट्टी आदि की परतों में मोड़ पड़ने लगे। ये वले द्वीपों की एक श्रृंखला के रूप में पानी की सतह के ऊपर आ गए, और ये क्रिया निरंतर चलती रही, और कालांतर में विशाल प्रवलित श्रेणियों का निर्माण हुआ, जिन्हें आज हम हिमालय के नाम से पुकारते हैं। जैसा कि हम चित्र पहले देख चुके हैं और इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे एक अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था, टेथिस भूसन्नति थी, अवसाद जमा हुआ, अवसाद में मोड़ पड़ा और पर्वत का निर्माण हुआ। आगे हम देखते हैं, एक व्यक्ति थे सिडनी बुराड, उन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय पर्वतमाला का वर्गीकरण किया। क्योंकि हमने हिमालय के बारे में डिटेल से पढ़ा, हिमालय के चार भाग जाने, अब हम उसका वर्गीकरण देखते हैं कि हिमालय को कितने कितने भागों में बांटा गया। तो नदियों के आधार पर सिडनी बुराड ने इसको चार भागों में बांटा। सबसे पहला भाग पंजाब या कश्मीर हिमालय, दूसरा कुमायूं, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। इनको नदियों के आधार पर बांटा, इसलिए
पंजाब हिमालय सिंधु से लेकर सतलज नदी। अब हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ से सिंधु नदी है और ये सतलज नदी। तो सबसे पहले पंजाब या कश्मीर हिमालय, यहाँ से सतलज नदी से यहाँ काली नदी जो घाघरा की सहायक नदी है, काली नदी, ये घाघरा रिवर आप देख सकते हैं, ये काली रिवर तक था। तीसरा नेपाल हिमालय जो काली रिवर से लेकर तीस्ता नदी जो सिक्किम से होके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है यहाँ तक था। फिर तीस्ता नदी से दियंग नदी जो ये सांगपो रिवर आप देख सकते हैं ब्लू कलर की, जो नामचा बरवा से यहाँ दियंग घाट बनाती हुई असम में होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है यहाँ तक, तो ये असम हिमालय। इस प्रकार सिडनी बुरार नाम के वैज्ञानिक ने नदियों के आधार पर इसको चार भागों में बांटा। हिमालय में प्रमुख दर्शनीय स्थल भी है जो इस प्रकार है, क्योंकि सिडनी बुरार के अकॉर्डिंग जो जो हिमालय थे उसमें नीचे दिए गए जो भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं उनको देखते हैं। कश्मीर हिमालय में जो पढ़ते हैं वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, जलारे शरीफ, कुमाऊं हिमालय में बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, फूलों की घाटी, देहरादून, हेमकुंड साहिब, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि। नेपाल हिमालय में माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है, उसके अलावा भारत की ऊंची चोटी कंचनजंगा जो हिमालय पर स्थित ऊंची चोटी है, अन्नपूर्णा, मनसालू, धौलागिरी और असम हिमालय में नामचा बरवा, ये सब प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं जिनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अब इनके अलावा हिमालय को चार श्रेणियों में बांटा था जो कि पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पर बांटा था कि कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ कैसे फैली हुई है उसके आधार पर। तो ये जो तीन चार श्रृंखलाएँ थी इनमें से ट्रांस हिमालय को हम सबसे पुराना मानते हैं, प्राचीन श्रृंखला है। इसके अलावा जो तीनों श्रेणियाँ हैं ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय, इनका इनकी उत्पत्ति जो है क्रम से इओसीन, मायोसीन और प्लायोसीन कल्प में हुई। अब आगे देखते हैं कि जो जो चार श्रृंखलाएं हिमालय की उत्तर से दक्षिण की ओर पाई जाती है इनके बीच में एक गैप पाया जाता है और इन गैप को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हम देखते हैं ट्रांस हिमालय जो सबसे उत्तर में है और उसके दक्षिण में महान हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय या वृद्ध हिमालय, इनके बीच में सचर जोन पाया जाता है जिसको हम इंडो सांगपो जोन भी बोलते हैं। फिर महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट पाया जाता है, शिवालिक और मैदान के बीच में हिमालय फ्रंट फोल्ट यानी HFF पाया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के अंतर्गत चार पर्वत श्रेणियों को उल्लेख किया जाता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका है इसलिए इसको हम सबसे प्राचीन श्रेणी भी मानते हैं। यह अधिक ऊंचा है इसके कारण यहाँ पे वर्ष भर हिम जमा रहता है और यहाँ पे वनस्पति नहीं पाई जाती। आप देख सकते हैं यहाँ ट्रांस हिमालय के प्रमुख भाग दिखाया गया है, यहाँ काराकोरम आप देख रहे हैं सबसे उत्तर में काराकोरम है, उसके बाद में लद्दाख, उसके बाद में जास्कर, ये ट्रांस हिमालय का भाग है जो हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। जो ट्रांस हिमालय है वो 40 किलोमीटर लगभग चौड़ा है। ट्रांस हिमालय का निर्माण टेथी सागर में जमा और शादी मलबे से ना होकर ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है जो कि हमने गोंडवानालैंड और अंगारालैंड पढ़ा था उसमें से अंगारालैंड का ये हिस्सा है। तो सबसे पहली पर्वत श्रृंखला इसकी है काराकोरम। काराकोरम हम यहाँ देख सकते हैं ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे लिखा हुआ K2। अगर हम यहाँ से देखें तो उत्तर भाग की सबसे ऊंची सबसे उत्तरी श्रेणी ये है और सबसे ऊंची चोटी इसी पे स्थित है K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं और इसका गॉडविन ऑस्टिन नाम हेनरी गॉडविन ऑस्टिन के सम्मान में रखा गया। और एक व्यक्ति थे मॉन्टगोमरी जिन्होंने पर्वत शिखर हरामुख से इसको देखा और हरामुख को इसने K1 और गॉडविन ऑस्टिन को इसने K2 नाम दिया। इसके अलावा भी इस पर्वत चोटी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे छोगोरी, शिवाजे माउंटेन, दापसांग, लंबा पहाड़ इत्यादि है जानते हैं। काराकोरम श्रेणी पर अनेक ग्लेशियर हैं जिनमें से 5 प्रमुख ग्लेशियर हैं सियाचिन, हिस्पर, बालटोरा, बियापू, ससाइमी। सियाचिन ग्लेशियर जिसे हम पहले देख चुके हैं कि 72 किलोमीटर लगभग लंबा है और ये विश्व का दूसरा लंबा ग्लेशियर है और भारत का
सबसे लंबा ग्लेशियर है। भारत का उत्तरतम बिंदु इंद्राकोल काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जिसे हम सबसे उत्तरी बिंदु मानते हैं यहाँ पे, कि ये हमारा इंद्राकोल है और नीचे में इंद्रा पॉइंट है, तो इंद्राकोल जो है काराकोरम श्रेणी में ही स्थित माना गया है। इसके बाद देखते हैं लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी हम यहाँ देख सकते हैं, ये लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है और यहाँ पे एक ब्लू लाइन देख रहे हैं, वो श्योक नदी है, यानी काराकोरम से दक्षिण में श्योक नदी, फिर लद्दाख, फिर सिंधु नदी। तो लद्दाख श्रेणी काराकोरम के दक्षिण में है, श्योक और सिंधु नदी के बीच में स्थित है। ये लगभग 350 किलोमीटर फैली हुई है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम स्टोक कॉन्गरी है, जो कि 6154 मीटर है। इनमें कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं, जिनमें चौर बतलंगला, खारदोंगला, चांगला, दीवारला इत्यादि है। इसका पूरी विस्तार कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है और इसकी राजधानी लेह सिंधु नदी के उत्तर और लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये सिंधु नदी है, ये लद्दाख श्रेणी है, तो यहाँ पे लेह स्थित है जो कि इसके दक्षिण में और सिंधु नदी के उत्तर में स्थित है। ये कैलाश रेंज है जो कि इसका पूर्वी विस्तार है, जो तिब्बत में फैला हुआ है। तीसरी श्रेणी है इसकी जास्कर श्रेणी, जो कि लद्दाख के दक्षिण में स्थित है और इसकी ऊंची चोटी का नाम कामेत है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। ये श्रेणी सिंधु नदी के दक्षिण में स्थित है। लंबाई लगभग इसकी 640 किलोमीटर है। कुछ दर्रे हैं इसमें, जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जैसे शिपकिला दर्रा जो तिब्बत और इंडिया के बीच में है, मानाला, चांगला, आदिपुर लेक। और इसका पूर्व विस्तार 5 हिमालय पढ़ा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वृद्ध हिमालय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।